इजरायली मोहल्ले की तंग गलियों के पास ही है शारे रसोन सिनेगॉग। 19वीं शताब्दी में यहूदी समुदाय के कुछ लोग सिनेगॉग्स की व्यवस्था से खुश नहीं थे। इस बागी वर्ग में सैमुअल जेकब देवेकर जैसे लोग थे। इन्होंने पैसा इकट्ठा कर इस सिनेगॉग की नींव रखी। 1840 में 2725 रुपए की रकम जमा की गई और सिनेगॉग के लिए जमीन खरीदी गई। फिर 4 जून 1843 को इस सिनेगॉग को शुरू किया गया। आज इस इलाके में यहूदी काफी कम हो गए हैं। सिनेगॉग की हालत काफी खस्ता है और मात्र 50-60 लोग ही त्योहारों में यहाँ आते हैं। फिर भी सिनेगॉग में गुजरे जमाने का वैभव दिख ही जाता है। तिफरेत इजराइल सिनेगॉग मुंबई के जेकब सर्कल के इलाके में स्थित है। इलाके में जब यहूदियों की जनसंख्या बढ़ी तब इसका निर्माण किया गया। सर्वप्रथम 1886 में तालेगांवकर बिल्डिंग में किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी। फिर 1922 में पैसे इकट्ठा करके जगह खरीदकर सिनेगॉग को स्थायी जगह दी गई। This Tiferet Israel synagogue is 122 years old, and this Sefer Torah is presented by my grandfather in 1939, and his name is engraved on this silver plaque. And this book we read on Saturday morning during Shaharit prayer, as well as Monday and Thursday morning. These Sefer Torah scrolls are written in ancient Hebrew, and which goes from right to left, and it is without vowels. But generally the prayer books are written in ancient Hebrew but with vowels, and some books are with English translation, so that it is very easy to read to the common people. This is called Ner Tamit lamp, which burns for 24 hours, and the light should fall on the hekhar. This is called a Hanukkah lamp, which is lit during the Hanukkah festival, and it starts from right. The first day will be the first one. And the top one is common, then the second day will be the second one first, and then the first one, and then the top. So this signifies the victory of the Jewish army. This chair is a special chair in the name of Prophet Eliyahu, and on this chair circumcision is performed when the child is of 8 days old. मैगेन हसीदीम जैकब सर्किल में स्थित एक सिनेगॉग है। सिनेगॉग के दरवाजे पर यह है स्टार ऑफ डेविड या मैगन डेविड। इसे इजराइल के राजा सोलोमन के ढाल का प्रतीक माना जाता है। सन 1800 से ये स्टार जुडाइज्म और यहूदियों का आम प्रतीक बना और सिनेगॉग्स और घरों में अंकित किया जाने लगा। इस इलाके में तिफरेत इजराइल सिनेगॉग के बनने के 18 साल बाद मैगेन हसीदीम की स्थापना हुई थी। वर्ष था 1931। 1000 की कैपेसिटी वाला ये सिनेगॉग काफी सक्रिय है। सिनेगॉग अंदर से बेहद खूबसूरत है। दरवाजे के चौखट पर संगमरमर का एक मेजूजा है।
मुंबई के सबसे ज्यादा जूज इसी सिनेगॉग से जुड़े हैं। शहर की ज्यादातर शादियां और बार मिज़वा के सेरेमनीज भी यहीं होते हैं। मैगन डेविड सिनेगॉग मुंबई के सबसे खूबसूरत सिनेगॉग्स में से एक। बाइकला में स्थित इस सिनेगॉग को 1861 में डेविड ससून ने बनवाया था। सिनेगॉग में गॉथिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। बाहर के चार पिलर्स सिनेगॉग को वैभव प्रदान करते हैं। यहाँ का ऑल्टर या तेबा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। प्रार्थना के वक्त इसकी गरिमा देखते ही बनती है। सिनेगॉग एक तल्ले का स्ट्रक्चर है। परंपरा के अनुसार गैलरी में महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है। ओल्ड फैशन्ड सीलिंग फैंस आज भी हवा बिखेरते नजर आते हैं। यहूदियों की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर 1990 में सर जेकब ई ससून ने इस सिनेगॉग को रिनोवेट करके और बड़ा बनाया। सीलिंग में लगे झाड़ फनूस को न्यूयॉर्क की एक महिला ने डोनेट किया था। सिनेगॉग को सर जेकब ससून चैरिटी ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। नेसेत एलियाहू सिनेगॉग काला घोड़ा इलाके की एक दर्शनीय इमारत। ये सिनेगॉग कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। हल्के नीले रंग का सिनेगॉग नीचे पत्थर और ऊपर ईंट से बना है। फोर्ट में बढ़ते व्यवसाय के कारण जब यहूदियों की संख्या बढ़ी तब 1884 में जेकब और उसके भाई ने अपने पिता डेविड ससून की याद में इसका निर्माण किया। तीन तल्ले वाले इस सिनेगॉग में लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। पिलर्स और दरवाजे भी लकड़ी के हैं। अन्य सिनेगॉग की तरह इसमें भी गैलरी में महिलाओं के बैठने का इंतजाम है। स्टेन्ड ग्लास सिनेगॉग के ग्रैंडियर को और ज्यादा बढ़ाता है। तेबा या पुलपिट के अलावा सिनेगॉग में महिलाओं के धार्मिक स्नान के लिए बेथिंग रूम या मिकवा भी बनाया हुआ है। 1985 में सिनेगॉग की स्वर्ण जयंती में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह शरीक हुए थे। 2008 में जब सिंगर मडोना मुंबई आई थी तब उन्होंने इस सिनेगॉग का दौरा किया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ अन्य समुदायों की तरह यहूदियों को भी भारत में शरण मिला और उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति का स्वतंत्रता से पालन किया। जब यूरोप में ज्यूज के खिलाफ मुहिम शुरू की गई तब भी वे यहाँ सुरक्षित रहे। ये अलग बात है कि फादरलैंड का मोह इन्हें इसराइल में बसने के लिए मजबूर करता रहा है। ऐसे इमिग्रेशन को ये अलिया कहते हैं। साथ में वे आर्थिक कारणों के चलते भी देश छोड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। I'm planning to immigrate to Israel because my most of the family members are migrated, already migrated in Israel, and my children are in Israel. And in Israel, it's a holy place, and the religion is observed. Most accurately there. So I want to be in Israel at the time of rest of my life. Those who have got very deep roots in this country and who need to stay here, they are staying here. And I suppose with Indian economy as it is quite stable compared to the many other world economies. Even India is becoming a preferred destination to make a career also. मुंबई के ज्यूज अब सरकार से माइनॉरिटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। समुदाय के लोगों में इंटर मैरिजेस का भी दर बढ़ा है। ज्यूज अपने संस्कृति के प्रति काफी सजग हैं और आधुनिकता के बावजूद इसे बचाए हुए हैं। बेने इजरायली और बगदादी ज्यूज अपने पुराने मतभेद को भुलाकर मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ जूस देश छोड़ना एकदम नहीं चाहते।
कुछ विदेश से वापस भी आ रहे हैं। शायद इस देश में अपने ऐतिहासिक जड़ों के प्रति आस्था ही इनके अस्तित्व को बनाए रखेगा।